देहरादून में दिवाली से पूर्व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बड़ा तोहफा दिया है। अक्टूबर माह के मानदेय का डीबीटी के जरिए भुगतान करने के बाद उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खाते में 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का PFAS के माध्यम से भुगतान किया है। ये धनराशि कुल 3 करोड़ रुपए की है। एडवांस में पहुंचाया गया मानदेय हो अथवा दिवाली का प्रोत्साहन 1,000 रुपए की धनराशि हो, ये दोनों ही चीज़ें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की दिवाली को बहुत अच्छा करेगा, उनको आर्थिक रूप से और मजबूत करेगा। दिवाली दीपमय तरीके से वो अच्छे बेहतर तरीके से मना सकेंगे और मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार ने उन बहनों के प्रति जो अपनी गंभीरता दिखाई है, मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की इस स्तर पर चिंता करी है। साथ साथ विभाग के अधिकारियों को भी बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने दिवाली पर पूरी संवेदनशीलता के साथ तत्परता के साथ में जो है उनको प्रोत्साहन राशि देने से लेकर इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी मिल भी जाना और साथ साथ में उनका मानदेय जो अक्टूबर माह का है वह भी एडवांस में मिल जाना, ये इतिहास में पहली बार ही हुआ है और मैं मानती हूँ कि हमारे ये जो इस प्रकार के जो हमारे प्रयास हैं वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेंगे। गोविंद वन्यजीव विहार के उपनिदेशक पर काम करवाने की एवज में 40% कमीशन लेने के आरोप लगे हैं। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उपनिदेशक डीबी बलूनी की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा है और उनके स्थानांतरण की कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है, जिसके चलते अब खुद बीजेपी के विधायक की शिकायत करने को मजबूर हैं। गोविंद वन्य जीव विहार है जिसके उपनिदेशक के पद पर श्री बीडी बलूनी जी कार्यरत हैं, उनकी लगातार शिकायतें कर रहे हैं और ना कांग्रेसी कर रहे हैं ना जनता कर रही है, इस बार शिकायत कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता और नेता। सूरज रावत जो कि मंडल अध्यक्ष हैं सांकरी के, वो पत्र लिखते हैं स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल को ये कहते हुए कि ये जो उपनिदेशक साहब हैं इनका व्यवहार भी स्थानीय जनता के साथ ठीक नहीं है और वहीं दूसरी ओर ये हर काम में 40%, ये मेरे जुबानी नहीं, मैं उनको कोट कर रही हूँ सूरज रावत को, वो कह रहे हैं 40% ये हर काम में कमीशन लेते हैं, कट लेते हैं। और फिर यही सूरज रावत के पत्र का हवाला देते हुए दुर्गेश्वर लाल पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री को स्थानांतरण अधिकारी का किया जाए क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी है, ये कमीशन लेता है, ये अपना कट लेता है और ये स्थानीय जनता से अच्छे से व्यवहार भी नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आखिर क्यों पानी सर से ऊपर गया दुर्गेश्वर लाल के और सूरज रावत के जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के वस्त्रों पर भी सवाल उठाए। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पीएम मोदी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, ऐसे में उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद करते थे कि अंकिता हत्याकांड में जिस तथाकथित वीआईपी की भूमिका सामने आ रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से कहेंगे कि उस वीआईपी को जनता के सामने लाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री चुपचाप ही चले गए। तो निश्चित रूप में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सूचना और जानकारी उन्हें निश्चित रूप में पुख्ता जानकारी उन्हें होगी, हमें ऐसा विश्वास है। अपेक्षा कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कॉलर पकड़कर घसीटकर उस तथाकथित वीआईपी को जिसके लिए हमारी बेटी की हत्या कर दी गई आज उत्तराखंड की जनता के सामने लाएंगे, पटकेंगे और कहेंगे कि ये है तुम्हारा अपराधी और इस अपराधी को जो सजा देना चाहो बताओ, मैं यहीं से इसकी सजा का ऐलान करता हूँ। हमने ये सोचा था लेकिन अफसोस जब नींद खुली और उसके बाद हमने कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी का इस तरह का कोई वाकया सामने आए, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं। पौड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक राजस्व क्षेत्र से नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग की मां की तहरीर पर एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो और SC/ST एक्ट की धाराओं में संबंधित क्षेत्र के पटवारी के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक दीपक बेलवाल के अनुसार आरोपी एक दुकान संचालक बताया जा रहा है, जहां बालिका दुकान में कुछ सामान लेने गई थी, इसी दौरान आरोपी ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। वहीं जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी जा रही है। अगरोड़ा क्षेत्र में जो है पटवारी को शिकायत प्राप्त हुआ था, वो शिकायत के आधार पर जो है तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और छेड़खानी का भी मामला बन रहा है, उसको देखते हुए
और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, उसको देखते हुए SC ST एक्ट में भी जो है उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। विवेचना को जो है नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से उसकी जांच की जाएगी ताकि नियमानुसार प्रकरण का कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण हो। वर्तमान में विवेचना जारी है, शीघ्रता से कार्रवाई संपन्न की। प्रेस क्लब में विभिन्न संगठनों के द्वारा मैक्स अस्पताल की अव्यवस्था के कारण जान गंवाने वाली रुचि शुक्ला के जन्मदिन पर स्वास्थ्य सेवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने का संकल्प लिया गया। उनके पिता सूबेदार रिटायर्ड ब्रजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार कर उन्हें दुरुस्त किया जाए ताकि किसी मरीज को अपनी जान न गंवानी पड़े। स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है और ये मैं कर रहा हूँ ना कि देखिए यहाँ पे मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये कोई एक जगह चीज़ नहीं है, ये सभी जगह व्याप्त है और ये जितने भी पीड़ित लोग आए हैं ये किसी एक जगह से शिकार नहीं हुए, ये एक जगह शोषण का शिकार इनका नहीं हुआ है, ये सब जगह अलग अलग जगह के हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कहीं भी इलाज हो रहा है, किसी का भी इलाज हो रहा है, इलाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। जब आदमी ICU में चला जाता है, CCU में चला जाता है, परिवार वालों को जल्दी मिलने नहीं दिया जाता है, उससे लाखों लाखों की दवाइयाँ मंगाई जाती हैं, वो दवाइयाँ मरीज के शरीर के अंदर दी भी गई हैं कि नहीं दी गई हैं इसका कुछ उसके परिवार को पता नहीं चलता। अगर कोई दवाई मंगाई जाए और उस दवाई अगर उस मरीज तक नहीं पहुंची उसके शरीर में तो निश्चित है कि मरीज की मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद भी सबसे बड़ा तो दुखद ये है कि फिर भी उस परिवार के बारे में कोई सोचता नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि भाई ये परिवार इतना पैसा देने में सक्षम है कि नहीं है, लाखों लाखों की उससे वसूली करी जाती है। देर रात को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की पाखरो रेंज के अंतर्गत रात्रि गश्त के दौरान 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक जीप, एक 12 बोर की बंदूक, 17 कारतूस, एक गंडासा समेत अन्य सामान बरामद किया गया। DFO प्रकाश आर्य ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को देर रात अवैध शिकार के प्रयास करने के साथ ही सामानों के साथ दबोचा गया। इन तीनों व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।